के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि कुछ सोल्जर्स को एक अनजान जहाज दिखता है। वो लोग उसके अंदर जाकर उसकी छानबीन शुरू कर देते हैं। तभी उन्हें कैप्टन अमेरिका की शीर दिखाई पड़ती है। वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तभी स्टोरी 70 साल पीछे 1942 में दिखाते हैं कि कैसे एक आम इंसान कैप्टन अमेरिका बना। स्टीव रोजर्स नाम का लड़का होता है। वो फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करना और दुश्मनों से लड़ना चाहता है, पर अपनी वो कमजोरी और बीमारी के चलते वो फौज में भर्ती नहीं हो पाता। वो हर बार नई नई आइडेंटिटी के साथ जाता है, पर वो रिजेक्ट हो जाता है। वो देश की आजादी की मूवी देख रहा होता है। तभी उसकी किसी स्ट्रेंजर से फाइट हो जाती है। स्टीव रोजर्स अपनी कमजोरी और बीमारी के चलते उससे पिट जाता है। तभी उसका फौजी दोस्त आकर उसे बचा लेता है और उसे एंजॉय करने अपने साथ सोल्जर पार्टी में ले जाता है, जहां वो जाकर फिर से फौज में भर्ती होने की बात करता है। उसका दोस्त मना करता है कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम रहने दो, तुम कोई फैक्ट्री में जॉब कर लो। वो मना कर देता है। वो कहता है कि मेरा जीवन बस फौज के लिए ही बना है। ये सब बातें डॉक्टर अब्राहम सुन रहा होता है। वो उसके पास जाता है, उससे कुछ सवाल जवाब कर उसे ए सर्टिफिकेट देकर फौज में भर्ती कर देता है, जहाँ सभी लोग हैरान होते हैं इसे कैसे ए सर्टिफिकेट मिल गया। कर्नल फ्लिक्स नाम का ट्रेनर भी उस डॉक्टर अब्राहम से बात करते हैं, पर डॉक्टर अब्राहम नहीं मानते और उसकी ट्रेनिंग जारी रखते हैं। तभी वो उसका टेस्ट लेने के लिए एक रिफ्यूज्ड बम फेंक देते हैं। स्टीव रोजर्स उस बम से सभी को बचाने की कोशिश करता है। तभी उसे पता चलता है ये बस एक टेस्ट है। आगे दिखाते हैं कि डॉक्टर अब्राहम स्टीव रोजर्स के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कोई सवाल हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। स्टीव रोजर्स पूछता है कि मैं इतना कमजोर हूँ, फिर भी आपने इस मिशन के लिए मुझे क्यों चुना। द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिटलर और रोहन सचमेट नाम का एक साइंटिस्ट था। वो बहुत ही ताकतवर बनना चाहता था। तभी उसे मेरे बारे में पता चला और उसने वो उससे ताकत वाला सीरम लेकर खुद को लगा लिया और वो बहुत ज्यादा ताकतवर बन गया और उसे इसका साइड इफेक्ट भी हुआ। अगर वो सीरम कोई गलत इंसान यूज कर ले तो उसके कई साइड इफेक्ट भी होते हैं, जिससे उसका मुंह जल गया। इसलिए हम तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं क्योंकि तुम एक सच्चे और नेक इंसान हो और कल तुम पर ये एक्सपेरिमेंट होगा। नेक्स्ट डे पेगी कार्टर उस एक्सपेरिमेंट के लिए डॉक्टर अब्राहम की सीक्रेट लैब में ले जाती है, जहाँ पर वो लोग स्टीव रोजर को एक मशीन में बंद कर देते हैं और उस मशीन की एनर्जी बढ़ा देते हैं, जिससे मशीन में एक जोरदार धमाका होता है। स्टीव रोजर की बॉडी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ रोहन सचमेट का जासूस डॉक्टर अब्राहम को गोली मारकर वहाँ से वो सीरम देखकर भाग रहा होता है। सभी उसका पीछा कर रहे होते हैं। स्टीव रोजर्स भी उसका पीछा करते हुए उसे पकड़ लेता है, पर वो सीरम की बोतल टूट जाती है। वो जासूस भी जहर खाकर यह कहकर मर जाता है कि तुम एक सर काटोगे उसकी जगह दो और आएंगे। जय हो हाइड्रा। हाइड्रा उस रोहन सचमेट के ग्रुप का नाम होता है, जहाँ पर वो एक नई राइफल तैयार कर रहा होता है और सभी देशों पर आक्रमण करने की प्लानिंग करता है और सभी देशों के सिपाहियों को मार रहा होता है। दूसरी ओर तभी ये सब न्यूज में आ जाता है कैसे स्टीव रोजर्स ने उस जासूस का पीछा किया और अपनी बाजी से वो सीरम को उस रोहन सचमेट के पास जाने से बचाया और उसकी प्रमोशन हो जाती है। उसका नाम कैप्टन अमेरिका पड़ जाता है और उसे मूवीज में काम मिलना शुरू हो जाता है। उस पर काफी सारी मूवीज और कार्टून बनते हैं। ये सब देख उसके सभी दोस्त भी उसका मजाक बनाते हैं। वो डिसाइड करता है कि वो ये सब के लिए नहीं बना, वो देश की सेवा करने के लिए बना है। तभी वो कुछ साथियों को घायल देखता है। उसे पता चलता है कि काफी लोग लड़ाई में मारे गए। वो अपने दोस्त के बारे में कर्नल फ्लिक्स से पता करता है। वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता इस बारे में, क्योंकि काफी लोग मारे गए हैं उस लड़ाई में। स्टीव रोजर्स उस लड़ाई में जाने की बात करता है, पर कर्नल फ्लिक्स उसे जाने से मना करते हैं। पर स्टीव रोजर्स कैप्टन अमेरिका बन पेगी कार्टर की हेल्प लेकर कर्नल फ्लिक्स को बिना बताए उस फाइट के लिए निकल जा पड़ता है, जहाँ वो हाइड्रा जो कि युआन सचमेट का ग्रुप है उन सबको मारता हुआ अपने दोस्त को बचा लेता है
और उसकी फाइट योहान सच में इससे भी होती है, पर वो कैप्टन अमेरिका को चकमा दे भाग जाता है। कैप्टन अमेरिका काफी लोगों की जान बचा लेता है। इस पर कर्नल फिलिप्स बहुत खुश होता है। वो कैप्टन अमेरिका को कुछ नहीं कहती है और उसे कैप्टन अमेरिका स्वीकार कर लेते हैं। कैप्टन अमेरिका के सभी दोस्त उन पर बहुत ज्यादा गर्व महसूस करते हैं और उसकी प्रमोशन हो जाती है। आगे वो हाइड्रा यानी योहान सचमेर के ग्रुप को एक एक कर खत्म करने की प्लानिंग करती है। कैप्टन अमेरिका को एक स्पेशल शील्ड दिखती है। वो कहता है कि ये मैं अपनी फाइट के लिए इस्तेमाल करूंगा, इसे रेडी करा दो। अब वो अपनी उस शील्ड के साथ पूरी तरह कैप्टन अमेरिका बन चुका है और वो अपने दोस्त को लेकर योहान सचमेर के ग्रुप को खत्म करने निकल जाता है। वो काफी सारे ग्रुप को खत्म भी कर देता है जिसमें उसके एक दोस्त की जान चली जाती है। तभी उसे बहुत गुस्सा आता है। अब वो शैतान योहान सचमेर को मारने अकेला ही निकल जाता है, जहाँ उसके कुछ साथी फौजी दोस्त भी उसकी हेल्प करने आ जाते हैं। वो लोग मिलकर उस ग्रुप को खत्म कर रहे होते हैं। उधर वो शैतान योहान सचमेर अपनी जान बचा कर न्यूयॉर्क एक जहाज में भाग रहा होता है। कैप्टन अमेरिका कर्नल फिलिप्स की मदद से कार में उस जहाज का पीछा कर उस जहाज पर चढ़ जाता है और उसकी उस शैतान के साथ खूब फाइट होती है। तभी कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड उस जादुई रतन की तरफ फेंकता है। वो शैतान उस रतन को उठा लेता है, उसमें से कुछ चमत्कारी शक्तियां निकलती है और वो शक्तियां उसे ब्लास्ट कर देती है। वो मर जाता है, रतन नीचे गिर जाता है जो बाद में फौजियों को मिल जाता है। आगे देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका को वो जहाज चलाना नहीं आता। वो कंट्रोल रूम को कॉल करता है जहाँ वो बताता है कि जहाज क्रैश होने वाला है। वो क्रैश हो जाता है। अब आ जाते हैं उस प्रेजेंट मोमेंट में जहाँ हमको पता चलता है कि 70 साल बाद कैप्टन अमेरिका की वो शील्ड मिली थी। कैप्टन अमेरिका को दिखाते हैं कि उन्हें अब 70 साल बाद होश आता है। वो 70 साल से बेहोश थे। यहीं पर मूवी का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। अगले पार्ट की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।